Hi everybody, so till now we have covered Transfer Property Act, we have covered NI Act, we have covered Banking Regulation Act, we have also covered Arbitration and Conciliation Act, काफी सारे acts cover करे हैं. तो now I have decided to go on to some very tricky acts, very tricky laws that are present, various laws that are very tricky and that are currently existing in India. And we would be starting with I think the most talked about, the most controversial act. I would not say the most controversial act, but act which is probably one of the most controversial acts. So we would be starting from today with Prevention of Money Laundering Act. ठीक है ना? इसकी काफी लोगों ने मेरे से कहा कि आप इस पे वीडियोस बनाइए. ठीक है ना? तो उस पे देखते हैं क्या बन सकता है. इसमें मैं देखता हूँ. डिटेल में नहीं जाएंगे, रूल्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक्ट्स ही पढ़ेंगे. अगर आपको रूल्स वगैरह पढ़ने हैं तो आप, मैं एक ऑफलाइन कोचिंग करता हूँ, तो उसमें यू कैन, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ते हैं वो. ठीक है. एनीवेज, देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, एक्ट नंबर 15 ऑफ 2003, 17 अगस्त 2003 में इनएक्ट हो गया है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं सीधे. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जम्मू कश्मीर सब जगह है ये. ठीक है ना, भारत के सभी कोनों में है, इंडिया के सभी कोनों में है ये. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इसमें एक जो बहुत ही ज्यादा जरूरी जो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए वो है डेफिनेशन क्लाइंट की. ठीक है ना, ये 2HA में डेफिनेशन है क्लाइंट की. तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, क्योंकि ये कई जगह आपको आएगी और कई जगह आपको लगता होगा कि वकील वाला क्लाइंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला क्लाइंट है. वैसा कुछ नहीं है. ठीक है ना, ये क्लाइंट पढ़ते हैं क्या होता है. हु इज अ क्लाइंट इन PMLA, ये क्वेश्चन है. वी आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ठीक, क्लाइंट मींस अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ठीक, और एक्टिविटी विद अ रिपोर्टिंग एंटिटी. ठीक, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ and on whose behalf the person who engaged in the transaction or activity is acting. ठीक, अब reporting identity समझते हैं क्या होता है. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या है. अब reporting identity समझते हैं क्या होता है. reporting identity समझने के लिए हम लोगों को काफी नीचे जाना पड़ेगा. और यहाँ पे देखिए reporting identity क्या होता है. ठीक, reporting entity means a banking company. ठीक है, a financial institution. ठीक, banking company हो गया, financial institution हो गया, which is not a banking company, वो हो गया. इंटरमीडियरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडियरी आर अ पर्सन कैरिंग ऑन अ डेजिग्नेटेड बिजनेस और अ प्रोफेशन. ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटी आपके बगल में कोई अगर दुकान खोल के बैठा है, ठीक है, जनरल स्टोर, वो GST में रजिस्टर्ड है, तो वो भी एक रिपोर्टिंग एंटिटी हो सकता है. ठीक है, आपके बगल में कोई अगर CA हो, प्रैक्टिसिंग CA हो, वो भी एक रिपोर्टिंग एंटिटी हो सकता है. ठीक है, अब हम लोग ने रिपोर्टिंग एंटिटी समझ लिया. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ब्रोकर वगैरह वो सब तो होते ही है. अब हम लोग रिपोर्टिंग एंटिटी समझ लिए हैं, अब हम लोग समझते हैं क्लाइंट क्या होता है. ठीक है, इसके लिए वापस हम लोग ऊपर जाते हैं. क्लाइंट कहाँ गया? ठीक, ये रहा. क्लाइंट मींस अ पर्सन हु इज एंगेज इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी विद अ रिपोर्टिंग एंटिटी. ठीक है ना, कोई ऐसा आदमी जो किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की एक्टिविटी से रिलेटेड हो किसी रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ. एंड इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन हु एंगेज्ड इन द ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी एज एक्टिंग. ठीक, एंड इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ क्लाइंट. और क्या क्या है? पहली बात तो क्लाइंट वो हो गया जो किसी रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है. ठीक है ना, एक ये क्लाइंट हो गया. आप अगर बैंक से लेन देन कर रहे हो देन यू आर अ क्लाइंट. ठीक, सिंपल सी बात. आप किसी दुकानदार के साथ कुछ खरीदते बेचते हो, यू आर अ क्लाइंट. ठीक, और इसमें और कौन पर्सन इंक्लूड्स है? एंड इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन हु एंगेज्ड इन द ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी इज एक्टिंग. ठीक है, काफी क्लियर इसकी डेफिनेशन है. क्लाइंट दो चीजें हो गई, एक हो गया जो आप किसी से सामान का लेन देन कर रहे हो, ठीक, पैसे का लेन देन कर रहे हो. ठीक, और दूसरा कौन हो गया? A person on whose behalf the person who engaged in the transaction or activity is acting. ठीक है, जो middleman हो गया
वो भी इसमें होगा। ठीक, तो दो चीजें हो गई, क्लाइंट हो गया और रिपोर्टिंग एंटिटी हो गई। ठीक, बाकी इसमें जो डेफिनेशन है, इसमें एक डेफिनेशन बेनिफिशियल ओनर की हमें देखनी चाहिए। बेनिफिशियल ओनर इज समवन हु हैज अ से इन अ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें तो काफी बड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, मीन्स इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स अ क्लाइंट ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी और द पर्सन ऑन हुज बिहाफ अ ट्रांजेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड। ठीक, सिंपल सी बात समझनी है, अगर किसी प्रॉपर्टी में आपका से है तो देन यू आर अ बेनिफिशियल ओनर। ठीक, अब बेनिफिशियल ओनर को आगे किस किस तरीके से लिखा गया है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग ने ये तीन चीजें समझी। ठीक है, और भी देख लेते हैं क्या है, इंटरमीडियरी क्या चीज होती है। ठीक, इंटरमीडिएट कौन कौन हो सकता है, आगे कई जगह आप लोग इंटरमीडियरी वर्ड पढ़ेंगे, तो इंटरमीडियरी में भी स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, FCRA एक्ट के तहत अगर कोई एसोसिएशन है दैट इज अ इंटरमीडियरी। अब आप लोग ये ना कहिए कि FCRA क्या होता है, नॉट रेलिवेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू एट दिस वेरी मोमेंट। FCRA सिक्योरिटीज रिलेटेड एक एक्ट होता है, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू मेक श्योर दैट यू कीप दिस इन माइंड दैट इंटरमीडियरी में कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर आता है, एसोसिएशन रिकग्नाइज अंडर FCRA एक्ट, FCRA इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, ये चार लोग इंटरमीडियरी में आते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आता है। ठीक, और इसमें ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक, बस ये है, और पर्सन वगैरह भी बाद में देखेंगे क्या है। अभी हम लोग ने तीन जो टर्म डेफिनेशन थी उसको पढ़ा, इसमें काफी चीजें वो रहती हैं, कंफ्यूजन होता है। ठीक, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है, अब देखें, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। ठीक, अभी कह रहा है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये हो गया कि मान लीजिए पीछे शेड्यूल में कुछ ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, आखिरी में जो शेड्यूल है दिखाता हूँ अगर इसमें लिखा हुआ है तो, ये देखिए शेड्यूल है ये पूरा। ठीक है, इस पीछे आप PMLA का एक्ट पीछे पढ़ेंगे तो पीछे आपको एक शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, उस शेड्यूल में कुछ ऑफेंसेस दे रखे होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उन ऑफेंसेस का इस्तेमाल करके अगर आपने कोई प्रॉपर्टी हथियाई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसीड ऑफ क्राइम। ठीक है ना, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑफेंस है किडनैपिंग का। ठीक है, किडनैपिंग करके अगर आपने दूसरे आदमी से कह दिया कि ये मकान मेरे नाम लिखो, तो दिस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो होगा उसमें वो मकान आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक, ये है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब। ठीक, रिपोर्टिंग एंटिटी हम लोग ने पढ़ लिया, हम लोग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मींस एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। ठीक, बस यही है, अगर आप किडनैपिंग करते हैं या तो आप मकान ले लो, ठीक है, या तो आप ये कह दो कि उस मकान की जितनी कीमत है हमें दे दो, सो ये हो जाएगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, अगर अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट नो कि पीछे शेड्यूल में किडनैपिंग ऑफेंस दिया हुआ है नहीं, पीछे शेड्यूल में ऑफेंस का इस्तेमाल करके अगर आप प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इक्वलेट जो पैसा वो आप ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक, तो आज की वीडियो हम लोग इतनी रखते हैं। ठीक है, कल से हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इस एक्ट को थोड़ा सा ट्रिकी एक्ट है, आप लोग इसको थोड़ा सा सोच समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं अपना अपना पूरा प्रयास करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।